नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे चैनल रविंद्र सर लेक्चर पोल साइंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बॉक्सेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कक्षा 9 और कक्षा 11 में इस समय जिन्होंने वोकेशनल कोर्स लिया हुआ है। ब्यूटी एंड वेलनेस की ये किट्स आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले एक बाहर से बॉक्सेस के ऊपर लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखें, इसमें नेल कटर 2 पीस हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर की किट है, एप्रन है, हैंड ग्लव्स है। तो वास्तव में ये ब्यूटी एंड वेलनेस जो लड़कियां आगे स्टूडेंट्स अपना वोकेशनल व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहती हैं उनको ये दिया गया है। क्योंकि कक्षा में जो बच्चे को सिखाया जाता है वो एक थ्योरी होती है, सैद्धांतिक ज्ञान होता है, लेकिन बच्चा तब तक उसमें निपुण नहीं बन सकता है जब तक वो अपने हाथ से उस काम को करके ना देख ले। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि जिन बच्चों ने वोकेशनल कोर्स लिए हुए हैं उनको वो किट्स प्रदान की जाए, उसमें वो सामान प्रदान किया जाए ताकि उसका भी विषय का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं इस किट्स में है क्या क्या है, वो एक बार आपको दिखा देते हैं। बॉक्सेस को खोल के एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहले पूरे के पूरे सामान पर एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं क्या है, और फिर आपको एक एक करके हम दिखाएंगे कि इसमें है क्या क्या चीज़। ये शीशा है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि शीशे के बगैर ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्स को शुरू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये जो डिब्बा है इसमें स्टीमर है, वेपराइजर जिसको कहते हैं, ये भी एक खास इंस्ट्रूमेंट है दिखाने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो ये ड्रायर है, बालों को अलग अलग सज्जा देने के लिए, अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए। और ये जो है ये स्ट्रेटनर है, इसको स्ट्रेटनर कहते हैं। तो ब्यूटी एंड वेलनेस में इसका भी एक खास रोल होता है। आजकल सजने संवरने का ही जमाना है। और ये फेशियल किट है, डायमंड फेशियल किट, तो ये भी इसमें आई है एक। इसके अलावा ये बहुत सारा सामान है, एक बार इसको ना खोल के देखना पड़ेगा। ये जो है ये आईलाइनर है, जेल है उसके लिए इसके, और ये जो सीजर है, दो हैं ये सीजर इसमें दी गई है, हेयर कटिंग के लिए है ये, तीन होगी एक और होगी। इसके अलावा ये जो है नेल पेंट रिमूवर है, जो थिनर भी इसको कहते हैं, मेन इसका रोल जो होता है जो पेंट लगा होता है नेल पे। और ये भी वही है जो पहले आया था, आईलाइनर के लिए है, जेल है ये, दो पीस है इसमें दिए गए हैं। और ये जो है इसमें खोल के एक बार देखना पड़ेगा क्या है ये उसके है शायद शेड्स हैं ये, देख पर इसको खोल के दिखाओ। ये जो आप देख रहे हैं ये पेडिक्योर और मैनिक्योर की किट है, अलग अलग इसमें इंस्ट्रूमेंट है दिए गए उसी हिसाब से। ये आई शेडो किट है, अलग अलग इसमें आईज को अलग अलग रंग देने के लिए है ये। उसके बाद है हमारे पास ये लूप है, ये पैरों पर जो पीछे प्यूनिक स्टोन इसको कहते हैं, और एडियो पर जो मैल जम जाती है शायद उसको उतारने के लिए बनाया गया है ये, हाँ अमृत कोशिकाएं। इसके अलावा ये जो है ब्यूटी पीपल, ये नेल पॉलिश है, अलग है इसमें कई है नेल पॉलिश। और ये जो है डिस्पोजेबल बॉडी वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये भी खास अहमियत रखते हैं। इसके अलावा इसमें ये नेल पेंट हेयर रिमूवर है, ये मेटल स्क्रबर है, ये भी पैरों के लिए ही होता है। इसके बाद ये है
कस्टमर एक बार, एप्रन है ये, एप्रन है ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है आगे। और ये भी एप्रन है, ठीक है, दो हैं, दो जोड़े दिए गए हैं ये। ये थ्रेड है, दो थ्रेड्स, हाँ हाँ। और उसके बाद है ये कॉम्स हैं अलग, काफ़ी सारे दे रखे हैं। ये भी ये ब्रश, इसको क्या कहते हैं, फ्लैट ब्रश है, इसको फ्लैट ब्रश कहते हैं। और ये भी वही है, दो है, ये भी डबल दिए हुए हैं। इसके अलावा ये थ्रेड्स है, ये भी, ये ग्लव्स है, काफी सारे दे रखे हैं ये भी। और ये ब्लशर किट है, और ये मास्क हैं दिए गए हैं। और ये हेयर क्लिप है, बालों के अलग अलग जब डिजाइन बनाने होते हैं तो कटिंग करने के लिए, तो ये उस समय काम आते हैं उसको अलग अलग सेक्शन में बांटने के लिए। फेशियल टिश्यू है, सिंपल से है ये, तो डिस्पोजेबल हैं। और ये भी वही है, हेयर क्लिप है अलग अलग बालों के अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए। ये छोटा छोटा सामान है जो आप देख रहे हैं। अलावा जो और सामान रह गया है इसमें, वो टॉवल है, ये दो हैं, ये वाइट उसके कलर के। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये वैक्स हीटर है, एक बार इसको खोल के आपको दिखाते हैं। ये है पूरा वैक्स हीटर, अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए इसमें वैक्स को गर्म किया जाता है। ये बिकर है, ये भी जब हेयर के अलग अलग स्टाइल बनाने होते हैं तो तब इसका शायद कुछ काम होता होगा। इसके अलावा इसमें एक कॉटन है, ये काफ़ी सारी दी गई है, कम से कम 500 ग्राम की है ये इतनी। और एक इसमें और ये वैक्स है, एलोवेरा है फ्लेवर के लिए, तो ये भी काम आता है। अंत में जो है ये वोकेशनल एजुकेशन NSQF हरियाणा, ये बैग है जिसमें जो बच्चा है वो सारा का सारा सामान लेके अपना कहीं पर भी जा सकता है और इसके लिए प्रैक्टिस भी कर सकता है सारे सामान को ले जाकर। एक तरह से बच्चों को वास्तव में ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको व्यवसाय की पूरी जानकारी देने के लिए ये ही शुरू किया गया है। आज हमारे साथ है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोली में कार्यरत आशा मैडम जी, और यहाँ पर ये ब्यूटी एंड वेलनेस का जो वोकेशनल कोर्स है उसको टीच करती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो किट बच्चों को वितरित की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, कि वो उनके लिए कहाँ तक उपयोगी है। तो मैडम, आशा मैडम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि जो ये किट बच्चों को दी जा रही है, कितने के प्राइस की होगी ये, कितनी कीमत होगी इसकी? सर, ये 12-13 हज़ार तक की होंगी किटें, और जो पिछले वर्ष जो किटें आई थी तो वो 15-16 हज़ार तक की किट होंगी, उसमें काफी टूल्स थे। अब की बार थोड़े से एक दो टूल्स इसमें कम आ रखे। अच्छा, एक मेरा प्रश्न मैडम ये है कि किट में जो सामान हमने देखा है अभी, उसमें अलग अलग प्रकार का है कि वो सामान जो है, जो बच्चे की कहाँ तक, बच्चे के लिए कहाँ तक उपयोगी हो सकता है, क्या उस सामान से बच्चा अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा या व्यवसाय शुरू कर सकता है? जी सर, वो बच्चे अपना खुद का कर सकते हैं, घर पे भी ये पढ़ाई के साथ साथ ये वाला स्किल चला सकते हैं बच्चे, और अपना कार्य खुद कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं, फीस भी भर सकते हैं, और साथ में जैसे पार्टियां, शादियां, मेकअप वगैरह हर चीज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, एक और है मैडम कि जब आप उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक थ्योरी होती है, और अपने कोर्स के बारे में, क्योंकि ये सुना है मैंने कि 4 साल का कोर्स है, 9वीं-10वीं में कुछ अलग प्रकार का है और 11वीं-12वीं के लिए कुछ अलग प्रकार, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, जो 9वीं और 10वीं क्लास है सर, जो बच्चे पढ़ते हैं तो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट बन जाते हैं, और जैसे +1 और +2 का होता है जैसे, तो ब्यूटी थेरेपिस्ट में आते हैं। तो जो असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट में उसमें आते हैं, तो बच्चे जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर इतनी अच्छी ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती उनको, पर जैसे बच्चे +1 और +2 में आ जाते हैं तो बच्चे आगे अपने और अच्छी जो थ्योरी वगैरह है और अच्छे से जानते हैं, डीपली जानते हैं। पर 9वीं क्लास से ही स्टार्ट जैसे बच्चों का होता है, तो स्किन का है, हेयर का है, तो इनके बारे में उनको पूरा नॉलेज होता है कि हमारी बोन्स मसल्स कहाँ कहाँ हैं, जैसे फिर कुछ भी इनको कार्य करने, चाहे जब पेडिक्योर करते हैं बच्चे तो उनके पैर की हड्डियों के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए, और जैसे मैनिक्योर करा जाता है तो जैसे आर्म्स में जो है हमारी मसल्स, जैसे बोन्स हो गई है, जो हड्डियां हैं, सबके बारे में पता होना चाहिए। कि जैसे हम जो मसाज भी करें
तो बच्चों को पता चलना चाहिए कि कहाँ पे हमारे ज्वाइंट हैं, कहाँ हैं या नहीं है। तो हमने जहाँ पे ज्वाइंट वाली जगह पे कौन सी मसाज देनी है और जहाँ पे ज्वाइंट नहीं है तो कौन सा क्या करना है। अच्छा एक और प्रश्न है मैडम कि 11वीं 12वीं के बाद जब बच्चा ये कोर्स करता है तो उसके बाद उसके लिए आगे क्या स्कोप है, कि आगे कोई पढ़ाई भी है? जॉब प्लेसमेंट भी होती है बच्चों की। जब 11वीं 12वीं बच्चा कर लेता है तो बच्चा जैसे 18 साल का हो गया, उन बच्चों के लिए जॉब प्लेसमेंट का भी होता है आगे। तो आईटीआई में भी है कुछ ऐसा कोर्स कि बच्चा अगर मान लीजिए उसके बाद आईटीआई करना चाहे? हाँ जी, हाँ जी सर, है। उसमें है। हाँ जी, और इसके बाद अगर जैसे मैडम पीजी डिप्लोमा भी है सर, प्लस टू के बाद जैसे डिप्लोमा भी होते हैं इसके बारे में, जैसे स्किन का आ गया या उसका है, पर ग्रेजुएशन के बाद आता है पीजी डिप्लोमा स्किन एंड थेरेपिस्ट। अच्छा एक और है मैडम कि ज्यादातर जो लड़कियां हैं थोड़े गरीब परिवार से आते हैं तो उनकी जी पढ़ाई सर, आगे वो चालू नहीं कर पाती हैं, जी सर, अगर वो अपना नवीं जो दसवीं और चाहिए। 11वीं 12वीं में ये आपका ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर ले और उसके बाद वो अपना पार्लर खोलना चाहे तो क्या ऐसा कर सकती हैं? सर जी मतलब चल सकता है उनका कर काम? सकते हैं बच्चे, अगर जो खुद का अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं तो मेहंदी आर्टिस्ट वगैरह ये बन सकते हैं, अपना एक प्रोफेशन खोल दें। मतलब कि जैसे मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है या ब्यूटी थेरेपिस्ट में जो भी है, जैसे स्किन और हेयर का भी पढ़ा सकते हैं बच्चे, घर पे भी अपनी क्लासें लगा सकते हैं, पर उनके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर। तो आज हमारे सामने हैं 9th क्लास की लड़कियां जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडोली में पढ़ती हैं, और इन्हीं सभी लड़कियों ने 9th क्लास में ब्यूटी एंड वेलनेस का वोकेशनल कोर्स लिया हुआ है। तो ये सारी की सारी जो बच्चियां हैं वो जो किट उनको मिलनी है उसको लेने के लिए आई हुई हैं। इन्हीं में से पूछते हैं कि इन्होंने कोर्स में क्या क्या चीजें सीखी हैं, अपना नाम बताओ। माय नेम इज शालू, आईडी 9th क्लास। अच्छा क्या एक बार ये मुझे बताओ कि जो आपने पीछे 1 साल से ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स लिया है क्या क्या चीजें इसमें सीखी हैं? हमने मेकअप सीखा, थ्रेडिंग सीखी, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग, फेशियल। तो किसी और का ये सारी चीजें करके देखी आपने, या यस किसी सर, का मेहंदी लगाकर देखी हो? देखिए किसका मेहंदी, शादी में लगाई है घर में ही सिर्फ लगाई है? शादी में लगाई शादी में लगाई है तो जी। पैसे पुसे भी मिले कुछ? अच्छा किसका, किसकी शादी में गए थे मेहंदी लगाने के लिए? बुआ की। अच्छा आपका नाम? अलमास अलमास। आपके पास भी ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स जी। है, तो आपने क्या क्या चीजें सीखी? मेकअप, थ्रेडिंग, जो आता है जो वैक्सिंग, वैक्सिंग सीखी फेशियल है, जी। और ये किसी के जो है शादी में भी गए हैं जहां पर ये मेकअप वेकअप जी करके देखा है? घर ही देखा था आज करके अच्छा घर के करना जी, आता है घर वालों भी सर तो। सब कर। मिस वंशिका, आईडी 9th क्लास अच्छा एक और बात जो बता वंशिका तू, जी। कि 1 साल हो गया तुझे ये कोर्स लिए यस हुए, सर अच्छा मैडम कैसे पढ़ाती हैं? जी, ठीक पढ़ाती है। बहुत पढ़ाती है, प्रैक्टिकल भी कराते हाँ हैं? जी, क्या क्या चीजें सिखाई है मैडम ने? मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, फेशियल और ये करके भी देखे हैं कहीं पर जी, शादी यहीं पे में? की थी जी। अच्छा शादी में कोई मेहंदी मुहंदी लगा के देखी? सर बच्चे तो आगे शादी करके में आगे जाके क्या करना चाहती है तू, जब 10वीं कर लेगी फिर या 11वीं 12वीं कर लेगी, इसी कोर्स को रखना चाहती है, ब्यूटी पार्लर खोलेगी अपना, या कुछ और करेगी? क्या कुछ बनना और चाहती है, करेंगे क्या बनना चाहती है? जी, जो सब चलेगा भी होनी चाहिए। कोई भी हमारा सामान है जो हम काम करने में प्रयोग करते हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो हमारा ये कोई यंत्र है, ठीक है, छोटे से छोटा, उसकी एक महत्ता होती है। आपने देखा होगा विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है,